हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू बर्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारे जो कॉकटेल बर्ड्स की चोंच की ट्रिमिंग या कटिंग। तो फ्रेंड्स, जब कभी कभी हमारे बर्ड्स में विटामिन या न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो फ्रेंड्स उनकी चोंच वगैरह कुछ इस तरीके से बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट फेस का बर्ड है इसकी चोंच काफ़ी बढ़ गई है, और ये लुटिनो का बर्ड है फ्रेंड्स, इसकी भी चोंच काफ़ी बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, जब चोंच इनकी इस तरीके से बढ़ जाती है तो फ्रेंड्स इनको काफ़ी दिक्कत होती है फ्रेंड्स। ये अपना दाना वगैरह प्रॉपर तरीके से उठा नहीं पाते, ठीक से खा नहीं पाते, जिसकी वजह से ये काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, कभी कभी इनकी इसी कमजोरी की वजह से डेथ भी हो जाती है, और ना ही ये अपने बच्चों को फ्रेंड्स प्रॉपर तरीके से फीड करा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप नेल कटर की मदद ले सकते हैं और इस तरीके से बर्ड्स की जो चोंच है उसकी कटिंग या ट्रिमिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये काम काफ़ी ध्यान से करना है। आपको चोंच सिर्फ उतनी ही काटनी है फ्रेंड्स जितनी वो एक्स्ट्रा बढ़ी है। फ्रेंड्स, आप इस तरीके इतना ना काट दें कि बर्ड्स को ब्लीडिंग होने लगे। फ्रेंड्स, जब आप बर्ड्स को आराम से पकड़ेंगे तो आपको दिख जाएगी कि उसकी चोंच कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है। फ्रेंड्स, आप चोंच को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काटें ताकि आपके से कोई गलती ना हो, बर्ड्स को ब्लीडिंग वगैरह या चोट वगैरह ना लगे। तो फ्रेंड्स, जब नेचर में बर्ड्स, ये जो बर्ड्स होते हैं जब नेचर में होते हैं तो फ्रेंड्स ये पत्थर वगैरह पर घिसकर या पेड़ की लकड़ी वगैरह काटते काटते फ्रेंड्स अपने चोंच की ट्रिमिंग वगैरह कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, कभी कभी आपने केज में भी देखा होगा कि कुछ बर्ड अपनी चोंच को लकड़ी पर घिसते हैं, या जो नमक वगैरह हम रखते हैं, सॉल्ट वगैरह जो रखते हैं केज में, उन पर या कटलफिश बोन पर अपने चोंच को घिसते हैं और उनकी ट्रिमिंग करते हैं। पर कुछ बर्ड होते हैं फ्रेंड्स, वो काफ़ी आलसी टाइप होते हैं, वो अपने चोंच की इस तरीके से कटिंग या एक्सरसाइज नहीं करते, ट्रिमिंग वगैरह नहीं करते, ना ही घिसते हैं चोंच को। तो फिर उनकी चोंच इस तरीके से बढ़ जाती है, और न्यूट्रिशन और विटामिन की कमी से, जब बॉडी में उनकी विटामिन और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तब फ्रेंड्स इस तरीके से उनकी चोंच बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से बर्ड्स की मदद करनी है, उनकी चोंच वगैरह इस तरीके से कटिंग करनी है, पर यह काम आपको बहुत ही सावधानी से करना है फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आप इसके बाद आप कोशिश करें कि बर्ड्स को हेल्दी डाइट दें, उनके खाने में विटामिन और न्यूट्रिशन वगैरह उनके खाने में पानी में ऐड करें, ताकि फ्रेंड्स फिर दोबारा आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है